माफियाओं की गाड़ी डैडी की टेस्ट बहुत अभी मस्ती कोर हो चुका है। यहाँ से देखो डिफेंडर भी देख रहे हो, महिंद्रा का वॉल ऑफ फेम गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव लेके आए। तो हाय गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो गया सुबह फटाफट, एंड गाइस आज मैं रेडी भी हो चुका हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। और तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको एक दो काम है, और एक दो काम में से एक काम का आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं बिग डैडी की टेस्ट लेने के लिए। तो हम निकलते हैं, अभी पहले खाना खा लेते फिर निकलते हैं। तो गाइस अभी मेरा खाना हो चुका है, और अभी देखो कौन आया हुआ घर पे, दिखाता हूँ वो भी। तो है वह लोग बाबू और गोलू, कैसे देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं बाबू और गोलू। गोलू का आजकल बहुत मस्ती आ रही है ये देखो। और यहाँ पे ये भी खेल रहा है अपने साथ, जो कि खेल रहा है GTA 5। हाँ ठीक है, अभी देखना, ये देखो ये देखो, आया 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 ओ बेटा, बहुत बहुत अभी मस्ती कोर हो चुका है ये गोलू। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कार से, और बाय द वे कार से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ना हमको एक आधा काम और निपटा के आना है, दैट्स व्हाई। तो चलते हैं। एंड गाइज लुक एट द क्लाउड्स, आज कितने सही लग रहे हैं क्लाउड्स। बाय द वे पता है, इस साइड के जो क्लाउड्स है ना, इस पेड़ के पीछे थोड़े से ब्लैक भी दिख रहे हैं। एंड गाइज एक और काम मेरे को याद आ गया कि ना, हमारे कार का जो मैंने अभी PUC हमारा एक्सपायर हो गया था, तो वो PUC का मैंने ऑनलाइन सब रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे को व्हाट्सएप पे आ गया है मेरा जो पेपर है, उसको अभी जाके ना प्रिंट भी करवा लेते और कार में रख लेते, क्योंकि सबसे मेन वही रहता है। गाइज आप क्लाउड्स देखो और व्यू देखो कितना बेहतरीन आ रहा है यहाँ से, वाओ। मतलब आज क्लाउड्स भी बहुत तगड़े लग रहे हैं, बहुत सही है। तो गाइज अपनी PUC का जेरोक्स कराने के लिए यहाँ पे साजिद गया हुआ है जेरोक्स की दुकान पे, एंड यहाँ से अभी PUC का जेरोक्स करा के ले आएगा। सो गाइज हमारा PUC हो गया, और ये देखो वैलिड कब तक है, बस 6 महीने का ही रहता है। ओके चलो अभी चलते हैं। देख रहे हो स्कॉर्पियो, और पे जा रही है यहाँ से देखो, डिफेंडर भी, डिफेंडर नहीं थी मतलब डिस्कवरी थी ये। इन गाड़ियों का गाइज पता है सीन क्या रहता है, ये गाड़ियां ना यहीं पे हमारा महिंद्रा का मतलब फैक्ट्री बोल सकते हैं, इधर से प्रोडक्शन होता है, और ये लोग यहीं से जाते हैं इनकी गाड़ियां। गाइज यहाँ का सीन देखो कितना सही लग रहा है, वाह। ये बिल्डिंग्स और बिल्डिंग के ऊपर मतलब लिटरली मस्त मस्त क्लाउड्स, भाई साहब आज का क्या सीन लग रहा है यहाँ का। और आगे से ये देखो स्कॉर्पियो आ रही है, स्कॉर्पियो। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो मेरे को बिग डैडी की मतलब टेस्ट ड्राइव लेनी, बिग डैडी मतलब महिंद्रा के स्कॉर्पियो एन, तो महिंद्रा के स्कॉर्पियो एन, और हम नॉर्मल क्लासिक स्कॉर्पियो के भी टेस्ट ड्राइव लेंगे। एंड बाय द वे सीन ऐसा है ना, जो लिस्ट में ना उन गाड़ियों की मैं बस टेस्ट ड्राइव लूंगा, बाकी जो हमारा बाद में फिक्स होगा, क्योंकि हमारा प्लान चल रहा है कुछ, तो भी वो फिक्स होते ही आपको भी बताएंगे। एंड अभी चलते अंदर। तो यू नो व्हाट, इधर अभी मैंने कोटेशन वगैरह सब पूछा, एंड वो बोल रहे अभी तुमको एक की टेस्ट ड्राइव मिलेगी, आई थिंक सो एन की देंगे, तो देखते चलते। और यहाँ देखो ये XUV 300 आई है, आई थिंक सो इसको वहाँ पे लगा रहे, इसके जगह पे डिस्प्ले पे लगा रहे, अच्छी है ये भी, अच्छी गाड़ी पर ये छोटी है थोड़ी। एंड गाइस देख रहे हो महिंद्रा का वॉल ऑफ फेम ट्रॉफीज, वाओ इस साइड भी है, बहुत सही है। तो गाइस ये वाली गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव लेके आए, एंड मतलब बाय द वे सीन ऐसा था ना, मेरे को इतना उसमें कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, क्यों पता है, क्योंकि उसकी सीट भी एक तो सेट नहीं हो रही थी ठीक से, और मतलब छोटी हाइट है ना, तो दैट्स व्हाई उसकी वजह से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था बाय द वे, बाकी देखते कुछ और। और गाइस पर तब भी मैं आपको ना स्कॉर्पियो एन के अंदर के फीचर्स भी बता दूं थोड़े बहुत। एंड गाइस जैसे फर्स्टली हम अंदर घुसते स्कॉर्पियो एन के, ये यहाँ पे सीट एडजस्टर है, मतलब इससे पर इतना खास कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता, सीट इधर तक ही जाती पर वो उधर तक भी नहीं जा रही थी जब मैं बैठा था। एंड बाकी इसमें नॉर्मल डैशबोर्ड वगैरह, अच्छा डैशबोर्ड, और इसका यहाँ से देखो ये वाला स्टार्ट है ऐसे ये दबा के, और बाकी ये तो मैनुअल, ये थोड़ा लो वेरियंट है, और TV LED वगैरह बहुत अच्छी है, एंड स्पेस तो बहुत अच्छा है इस गाड़ी का भी। गाइस पता है पर इतना बाय द वे इतना मेरे को खास कुछ एक्सपीरियंस आया नहीं इसका, पर गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा गाड़ी अच्छी नहीं, पर मतलब थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहिए यार, ये आगे वागे जाना चाहिए ठीक से प्रॉपर, कि मतलब किसी की थोड़ी छोटी हाइट रहे तो भाई वो तो क्या करेगा उसके लिए, तो ठीक है पर कोई बात नहीं, अच्छी गाड़ी है। गाइज मेरे को लग ही रहा था ये 6 सीटर है, इसमें देखो डिक्की नहीं है, इसको नीचे करना पड़ेगा तभी डिक्की का स्पेस बनेगा, तो मतलब इसमें मोस्टली 5 बंदे ही बैठ पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है ये भी। एंड गाइज हैव अ लुक महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसका आगे का देख रहे हो कितना सही लगता है ये, बहुत सही लगता है, मेरे को बहुत पसंद आता है ये, एंड वाओ ये बहुत अच्छी, पर मेरे को इसका कुछ पता नहीं, और मेरे को ना पर्सनली बोलता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी पसंद नहीं है। इसका नाम क्या है बाय द वे?
XUV 400। ओके डन। एंड गाइस अभी हम शोरूम से निकल चुके हैं। साजिश बाय द वे तेरे को कैसी लगी वो गाड़ी? बैठे खास नहीं लगी, इतनी भी खास नहीं, इतना मजा नहीं आया बाय द वे। और अभी का फिलहाल सीन ऐसा है, मेरा मन हो रहा है कॉलेज रोड जाने का, पता नहीं ऐसी मन हो रहा है क्योंकि आज वीकेंड है और छुट्टी भी है, दैट्स व्हाई। तो देखते कुछ प्लान बना तो आपको बताते हैं। एंड हाँ 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 हाँ, एक सीन तो रह गया, हमारे बुलेट का वो रबर लेके आना था अपने को, तो वो भी जाके देखते, अगर वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आ जाएंगे घूम फिर के। तो गाइज अभी हम लोग हैं मुंबई इंदौर हाईवे पे, चले इंदौर घूमने फिर, क्या बोलता है? चलने बोल रहा है, लेकिन दो मिनट में इंदौर जाना मतलब वो की बात थोड़ी है, हमको हमको अभी पर जाना है कॉलेज रोड और देखते हैं अपना सामान मिल जाना चाहिए बाय द वे, लेट्स सी। सो गाइज अभी हम पहुंच गए द्वारका और देखो क्या मिला हमको, मिला ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक मिल गया लिटरली भाई, क्या ही करे आप बताओ बताओ, इतना ट्रैफिक क्यों यार क्यों। गाइज ये देख रहे हो टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका नाम देखो क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो, टिगोर टाइगर लाइक कर देते इससे अच्छा भाई क्या बताना। और ये चीचा सामान वामान लेके जा रहे हैं, वाओ। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं साड़ा सर्कल, एंड इस साइड पता है आपको इस साइड सारा बाइक्स का है, एंड इधर पीछे के साइड पूरा कार्स वगैरह का है, शोरूम वगैरह, और यहाँ पे SM इम्पीरियल। एंड गाइज पता है अभी का सीन क्या हो रहा है, हम लोग ना वो ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो मिलेगा हमारे बुलेट का रबर, पर यहाँ पे मेरे को तो दिख नहीं रही वैसे नाम की कोई शॉप भी, हम पूरा गोल घूम लिए, तो कोई बात नहीं अभी देखते हैं अपना कुछ और काम वाम रहा तो वो कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद चलेंगे डायरेक्टली घर। एंड यू नो व्हाट गाइस, हम लोग घर जा ही रहे थे तो हमको ये दिख गया चैंपियन स्कूटर, से यहीं से मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और यहाँ देखो वातावरण पूरा काला हो रहा है, बादल काले आ रहे, बारिश की संभावना पूरी है, और लुक एट दी माफियाओं की गाड़ी फॉर्च्यूनर, वाह। तो गाइस इधर भी आके हमको क्या मिला, डिसअपॉइंटमेंट, नहीं मिला कोई बात नहीं, चलो ठीक है अभी बात, बाय द वे देखते अपना आगे का काम कर लेते कुछ रहा तो। लुक एट दिस गाइस, जिक्सर को साइलेंसर देखो कैसा कस्टमाइज बिठाया हुआ है, वाह अच्छी आवाज आती होगी, पर गाड़ी इतनी कुछ खास नहीं है। सो गाइस हम अभी कॉलेज रोड पे आ चुके हैं, एंड यू नो व्हाट, आपको एक चीज दिखाता हूँ पहले, ये लोग तो आगे चल रहे बहुत धीरे चल रहे, एंड ये देखो ये वाला मेरा कॉलेज है जहाँ पे मैं आया करता था, वाह बहुत यादें जुड़ी ये कॉलेज के साथ भी। गाइस देख रहे हो अंकल का मेहनत और डेडिकेशन, वाह भाई वाह खतरनाक, मतलब लिटरली कितना, मतलब वो बैठे भी कैसे देखो कॉर्नर में भाई साहब, वाओ सही है अच्छा है। गाइस लुक एट दी ऑडी Q3 विद VIP नंबर, वाओ 0007 क्या सही है। सो यू नो व्हाट गाइस, हम गए तो थे महिंद्रा में कार्स देखने, पर उधर अपना इतना दिल नहीं भरा, तो आपको ना बैक यार्ड पे लेके जाता हूँ जहाँ पे ना बहुत सारी महिंद्रा की कार्स रहती है, जहाँ से मतलब क्योंकि हमारे नासिक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना कार का, इस महिंद्रा की कार्स का, तो आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। तो गाइस ये पूरा रहा बैक यार्ड, एंड यू नो व्हाट हम लोग बैक यार्ड में क्यों आए है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, तो मैं आपको खजाना दिखाऊं, ये देखो खजाना, वाह इधर भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो थार है, इधर भी है, और ये देखो ट्रेन में इधर भी लोड हो रही है, और यहाँ देखो भाई साहब लिटरली और भी आएगी, मतलब पूरे दिन भर आती है और ऐसी ट्रेन में लोड होके जाती है, वाह सुपर यार सुपर। तो मैं घर पे आया, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे खा रहा हूँ मैं मुरमुरे, वाह। तो गाइस इसको अभी नीचे जाना, और इसको देखो कितनी जल्दी हो रही, पाउडर वाउडर भी लगाने दे रहा है, ये देखो इधर आओ, ये देखो इधर, ये देखो इसका मुंह। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बहुतों के साथ शेयर कर दो, घर परिवार अड़ोस पड़ोस और दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करने को बोलो फटाफट से, है ना। और मिलते हैं आपको ऐसे अच्छे से ब्लॉग में कल, तब तक के लिए डोंट ट्रबल, और माता पिता एंड लव भारत माता, बाय।